नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर सीमा पर तैनात फौजी को पत्नी ने किया आग के हवाले। होली की छुट्टी पर घर आए पति को किया आग के हवाले। उपचार के दौरान हुई पति की मौत। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है, जहां होली की छुट्टी पर आए एक फौजी को उसकी ही पत्नी के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। क्या कभी किसी ने सोचा था कि साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने वाली पत्नी ही पति की मौत का कारण बनेगी, अपने पति को दर्दनाक मौत देगी। ऐसा मामला जनपद कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में देखने को मिला है, जहां पर जम्मू में तैनात 27 पंजाब रेजिमेंट जवान फौजी सूबेदार चरण सिंह निषाद हाल ही में 8 दिन पूर्व होली की छुट्टी पर अपनी पत्नी बच्चों व परिवार के साथ होली का पर्व मनाने के लिए अपने घर किशनपुर आए थे। 26 तारीख को पत्नी आकांक्षा उर्फ बाबी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि पत्नी आकांक्षा ने अपने बच्चों के सामने ही अपने पति के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और कमरा बाहर से बंद कर दिया। जलता हुआ फौजी कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। तब तक फौजी 50% से अधिक गंभीर रूप से झुलस चुका था। इधर जब पड़ोस के लोगों ने चीख पुकार सुनी तो मौके पर एकत्रित हो गए, जहां उन्होंने देखा कि फौजी के शरीर में आग लगी हुई थी और फौजी दर्द से चीख रहा था, तो लोगों ने उसकी आग बुझा कर किसी तरह उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवासपुर लेकर पहुंचे, जहां पर मौजूद चिकित्सकों द्वारा गंभीर स्थिति देखते हुए फौजी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां परिजनों द्वारा फौजी को अच्छे उपचार के लिए लखनऊ स्थित फौज के कमांडो हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर फौजी की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद आज फौज के जवानों द्वारा अपने फौजी साथी का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव किशनपुर लाया गया, जहां ग्रामीणों और पारिवारिक जनों द्वारा दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया गया। परिजनों की मांग थी कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाए, जिसके बाद मौजूद मंगलपुर पुलिस के द्वारा परिजनों की तहरीर पर फौजी की पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए फौजी की पत्नी को हिरासत में लिया गया व परिवारी जनों को समझा बुझाकर फौजी के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को राजी किया गया, जिसके बाद फौज की तरफ से आई हुई टीम द्वारा राजकीय सम्मान के साथ फौजी का अंतिम संस्कार किया गया। आइए जानते हैं रामकली मृतक फौजी की मां और रामचंद्र मृतक का बड़ा भाई और सीओ शिव ठाकुर ने क्या कहा। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र। भैया क्या मामला हो गया आपके भाई? मामला ये हो गया, मेरा छोटा भाई 27 पंजाब में था, तो कोई आपसी विवाद तो था नहीं, उनकी मैडम ने मिट्टी का तेल डाल के उनको आग लगा दी। किस बात को लेकर? क्या कोई पति पत्नी के बीच में कोई विवाद? कोई विवाद नहीं था। चलो, किस वजह से ये निर्णय लिया? अब मैं क्या बताऊं सर, किस लिए? बच्चे तलक, उनकी बच्चों ने तलक देखा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तलक बोल रहे हैं कि मम्मी ने मिट्टी तेल डाल के आग लगाया। तो लगाया वो, कोई कारण तो रहा होगा। अब आपस मियां बीवी का क्या कारण होगा ये तो नहीं मालूम। झगड़ा होना मेरे। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और ये जो मेरे भतीजे हैं वो मेरे पास रहे। तो क्या आपके भतीजों को बच्चों के कोई मान कर रहा है क्या? बच्चों को मान नहीं कर रहा है, इनको कोई देखभाल नहीं करेगा। जब भाई को मार दिया तो बच्चों भी मार सकते ना वो, इसलिए बच्चे हमारे पास रहने चाहिए। ठीक है, बच्चे नहीं बचे तो कौन बचेगा? और मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। और कोई बात? और कोई समस्या नहीं। राम करे। माता जी क्या हो गया? क्या हो गया? लड़का आग लगा रही बहू में मट्टी तेल डालो भीतर सोत में, कमरा में डालो आग लगाएगा, कुंडी लगा दी चार उलंग से। क्या बात हो गई थी जो उस प्रकार से? अब क्या बताएं, हम तो यहाँ रहते रहते हैं हमारे घर में, हम तो बिटिया हमारी देश कमान गई तो उसने देखा, तब बड़ो बहुत निकल था तो कुंडी लाई, जबरदस्ती से कुंडी तोड़ी तब निकल पाए, लड़का ने बयान दे दो सब। तो क्या आपके बच्चा और बहू के बीच में कोई विवाद चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं चलता, उन्हें दो जन जो कुछ चला हमारे कुछ नहीं चला। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम जा चाह रहे हैं बच्चा बहुत चाहिए हमें, हमारे बच्चे में कुछ हुआ ना हुआ अब सब जितनी हुआ हुआ हमारे बच्चे में चाहिए। सर एक फौजी के जलने का मामला सर सामने आया, सर क्या है पूरा मामला और उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दिनांक 26 मार्च 2024 को दिन में तकरीबन 1 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव किशनपुर जो थाना मंगलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ एक आदमी जल गया है। तत्काल उसको
हवासपुर अस्पताल रेफर किया गया, वहां से उसको कानपुर सेना अस्पताल रेफर किया गया, जहां से फिर उसको न सुधार होने पर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ रेफर किया गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। प्राप्त सूचना और परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 304 IPC का मुकदमा भी पंजीकृत करा लिया गया, जिसकी विवेचनाधीन है। फॉरेंसिक टीम मौके पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। अन्य सभी जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचना का निस्तारण करके जो भी तथ्य होंगे उसको सामने लाएंगे। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी हम पूछताछ करके अन्य छानबीन हमारी चल रही है। सर, ऐसा कोई जानकारी प्राप्त हुई है पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हुआ? जी, जो भी परिजनों ने जो तहरीर दी है उसके आधार पे यही बताया गया है कि जो पत्नी इनकी थी उनके द्वारा इनको मिट्टी का तेल डाल के चलाया गया है। अभी इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है, उसके आधार पे आगे जो भी होगा।